बस की पिंक मेल कंडक्टर इन ग्रेटर नोएडा मैंने पहली बार देखा है। पिंक बस में मेरे को लगा सिर्फ फीमेल रहती है लेकिन मेल भी है। तो ड्राइवर भी फीमेल है? नहीं यार वो देख रहे हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाय दिस इज निधि। तो आज मैं बहुत टाइम बाद एक फुल डे व्लॉग करने वाली हूँ। नॉट फुल डे, इट्स गोइंग टू बी अ हाफ डे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम सीपी जाएंगे, बट हम सीपी नहीं जा पाए क्योंकि आप देख रहे हो बहुत गर्मी है और बहुत लेट भी हो गया है। तो अभी हम 37 आए हैं सेक्टर 37, यहाँ से हम सेक्टर 18 जाएंगे टू ट्राई सम स्ट्रीट फूड्स। और मेरे साथ मेरे दो चंगू मंगू, ये रवि और ये है शादमा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 18, वहाँ मैं खाऊंगी लिट्टी चोखा और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और यहाँ बहुत धूप है तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं बोल सकती, सो लेट्स गो। रवि तुम ज्यादा सैनिटाइज करो उसको, और दो थोड़ा, ये लो। तुम खड़े हो क्या आए हो ना तुम? खड़े हो क्या? हम दोनों बैठ के आए हैं। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है अट्टा का जो स्ट्रीट फूड है। मतलब मैं और कुछ तो यहाँ पे ट्राई नहीं की हूँ, कहने को तो बहुत कुछ है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक जगह जाती हूँ जहाँ पे है लिट्टी चोखा। आई डोंट नो कि अभी वो होगा या नहीं, मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी है, शायद है। यस यस यस, हियर इट इज। मत खाना, ये है लिट्टी चोखा, ये क्रेडिट कार्ड। क्या आप स्वाइप होने के लिए तैयार हो? घर की याद आ गई, ये देखिए घर की याद आ गई। हाँ यार, रवि भी बिहार से है, हम बिहार वाले। खुशी खुशी यार ये स्वाइप करेगा। हम अपना क्रेडिट कार्ड लेके आए रवि को। ठीक है, वाईफाई दे, थैंक यू भैया। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं DLF, जो कि बहुत ही महंगा मॉल है और उसमें हम नॉर्मली खरीदने कुछ भी नहीं जाते हैं, बस इधर उधर घूमने जाते हैं और थोड़ा बहुत अगर कुछ खा लिया तो। एक्चुअली खाते भी नहीं है क्योंकि वही अच्छा हाँ क्रेडिट कार्ड है तो आज हम खा सकते हैं। मेरे साथ पता है अभी क्या हुआ था? DLF में हम एक आइसक्रीम खाए ब्लैक करंट, ठीक है, एक नॉर्मल कप में दिया, वही सेम आइसक्रीम GIP के बाहर मेरे को 50 रुपीज में दिया और DLF में वो 150 का दिया था। तो मेरे को आज तक इस चीज का दुख है कि 150 क्यों? You know उसमें कुछ अलग था, ये ब्रांड है, ब्रांड नहीं, नहीं ब्रांड सेम ही क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वॉल्स का ही था कि पता नहीं किसका था, DLF के अंदर था इसलिए और वो बाहर था। हाँ जस्ट बिकॉज वो DLF के अंदर था इसलिए वो 150 का था। यार किधर है DLF? नहीं नहीं शादमा के भरोसे तो और मत जाना, पता चला ना कि हुक्का मार जाना। ये वेव है, आजा बेटा साथ में बैठ, इधर है। रवि पूछ किसी से DLF वाला रास्ता, हमें नहीं पता कि हम DLF जाके क्या करेंगे बट कुछ तो करेंगे। हाँ रवि हमें डायमंड रिंग दिला रहा है, फिर ना एक ही दिलाना पड़ता है, यहाँ पे दो दोस्त है, दोनों को दिलाना पड़ेगा। ये अंकल ने हमें अलाउ किया है कि हम इनकी महंगी गाड़ी के सामने पिक्चर ले सकते हैं। गाइस ये अमीर लोग और ये इनकी BMW और ये इनका ड्राइवर भी है गाइस, इनका है। यार मेरा भी मन करता है कभी मैं ऐसा हेयर स्टाइल करूं। रवि के पास मास्क नहीं है, मास्क ले रहा है। रवि तुम डबल मास्क लगाओ, तुमको ज्यादा खतरा है कोरोना का। है नहीं तुम्हारे फोटो लेने के चक्कर में कहीं गिरा है। हॉल में आ गए हैं और यहाँ पे आपको महंगी महंगी गाड़ी और सब दिखेंगे। थोड़ी देर के लिए मास्क नीचे की हो तो प्लीज इतना मत बोलना। अरे चुप करो स्विगी के साथ। गाइस वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वेट ओ वाओ, ये रियल में ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। हाँ ये रियल में ज्यादा सुंदर है।
गाइज ये स्टारबक्स है और ये मेरा ड्रीम है मेरा और शादमा का कि हम यहाँ कभी तो कॉफी पियेंगे, कभी तो पियेंगे। वैसे तो लोग मेरे को बोलते हैं कि ये इतना ज्यादा भी कुछ बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल कॉफी ही होता है, बट स्टिल बोला था ना महंगा मॉल है, आपको यहीं से दिख जाएगा कितना महंगा है। ऐसे गाड़ियाँ रखी रहे इन्हें वाले ले ही रहे हैं। ये देखिए आपको सारे ब्रांड्स दिखेंगे यहाँ, कुछ भी नहीं। थी ना डीएलएफ में और अभी नहीं चाहते हुए भी मैंने ये टर्किश आइसक्रीम ले ही लिया 150 का, बट इट्स टोटली वर्थ इट क्योंकि वो जो मैजिक जो भी कर रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग था और मजा आया, मजा आया। टेस्ट भी इवन अच्छा है। रवि तुम टेस्ट किए कर लो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा यार ऐसे मत, लेकिन ये वर्थ इट है क्योंकि वो जो किए वो बहुत अच्छा था यार। तो हम सोच रहे हैं कि हम डीकैथलॉन जाते हैं, वहां जाके थोड़ा बहुत खेलते हैं और उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। यार थोड़ी ना और लाइटिंग होनी चाहिए थी वो टर्किश वाले की जगह पे, थोड़ा लाइट अच्छा नहीं आया, बट मैं बहुत इम्प्रेस हुई यार, बहुत अच्छे से किया और स्टार्टिंग में मैंने पकड़ भी लिया। उन्हीं के साथ में अगली बार हम ट्राई करेंगे, चलना। हाँ आइसक्रीम भी टेस्टी है। चलो डीकैथलॉन चलते हैं रवि, हम वही अफोर्ड कर सकते हैं। यस चलो फिर। चलो खेल के आते हैं। नो रवि, रवि का हालत खराब, तुमको सच में लगता है रवि कि हम लोग डायमंड्स ले लेंगे से? अरे तुम लो तो सही, मैं दिलवा दूंगा। देखो लड़के के पास कॉन्फिडेंस पूरा है। खेलने लगे हैं, इनको मजा आ रहा है, बाद में खेल लेना। चल लो ये दिखा दो, ठीक है तो कौन सा फ्लोर पे है? 401 402 402। अरे कहना क्या चाहते हो? अलग ही मैथ्स है इसका। ये यहाँ से देख के बताया है कि थर्ड फ्लोर है और हम समझे कि इसमें देख के बताया है। इतना सारा मॉल घूमने के बाद अभी हम डीकैथलॉन आए हैं थोड़ा सा चिल करने और रवि यहाँ पे स्केटबोर्ड ट्राई करेगा। रवि सॉरी, रवि एक बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है, अपने बिहार का नाम रोशन करो रवि, कम ऑन। मैं तो घर पे हूँ यार, पर हॉस्पिटल तुम्हें ही ले जाना पड़ेगा। शारदा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। ठीक शादी के लिए चाहती हैं अपना सीवी मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं यहाँ तक पहुँचा दूंगी। अब बहुत बकवास कर ली शायद, सही में करना है ये अकेले नहीं। कितनी क्यूट है वो, अपने डॉल के लिए ड्रेस लेके जा रही है। इंसानों के कपड़े हैं भाई।
लुक एट हर, वो अपनी डॉल के लिए ड्रेस लेने आई है, ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। अब उसको पता लग गया मैं शूट कर रही हूँ तो कॉन्शियस हो रही है। ये है डीएलएफ का फूड कोर्ट, जो कि इतना बड़ा है कि पता नहीं शुरू कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है, नो आइडिया। बट डोमिनोज वहाँ है। रवि की तो हवा टाइट है। रवि हालत, रवि जैसे ही एंटर किए कहता है ये कहाँ आ रहे हो तुम लोग, मजाक बना रहे हो, टेंशन हो रहा था इसको कहाँ आ गए हम लोग। क्यों मेरा अब कार्ड यहीं पे स्वाइप होगा। रवि एक पिज्जा खाना है मेरे को और एक टेस्टी सा शेक। और लड़ाई हो रही है मीडिया पाव में आए हैं और हम यहाँ पे चॉकलेट मोमोज ट्राई करने वाले हैं। हाँ, एक चॉकलेट मोमो, तुम क्या तंदूरी? हाँ, मैं सोच रही हूँ ये कुछ नया सा है। नहीं वो गंदा लग रहा है। गंदा नहीं वो कुछ। और मैं ये भी लूंगी एक, नहीं वर्जिन वो ही तो लूंगी। वाओ का मोमोज, और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा ईयू टाइप की फीलिंग है, थोड़ी सी अलग, बिकॉज ये चॉकलेट मोमोज है। बहुत लोगों ने खाया होगा बट हम फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं। और ये रहा पिज्जा, हॉस्टल पहुंच गए हैं। और अभी शादमा और रवि बास्केटबॉल खेलेंगे, शायद खेलोगे ना तुम लोग? शायद ये लोग खेलेंगे और मैं जाऊंगी हॉस्टल। और यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मेरा फ़ोन भी 4% है, तो मैं व्लॉग एंड हॉस्टल में जाके करूंगी रूम में। प्लीज़ इग्नोर माय हेयर, क्योंकि वो बस में पूरा हवा में पूरा ख़राब हो गया है। और प्लीज़ अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज़ एक सिंगल लाइक बहुत मैटर करता है, मुझे अब जाके समझ में आया है। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड दिस इज़ पर्सनली आई एम सेइंग बिकॉज़ राइट नाउ द कंडीशन इन विच आई एम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू व्लॉग, बिकॉज अभी मेरा जो चल रहा है ना इंटर्नशिप, जॉब एंड MBA एंड आगे का जो भी प्लान, मतलब ये सब कुछ मिक्सअप होके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है अभी। तो इस टाइम पे व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मंडे से मेरी क्लासेज है तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना क्लास और अपना कॉलेज लाइफ थोड़ा बहुत व्लॉग करूँ, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस थी तो एज सच मैं कहीं जा भी नहीं पा रही थी, लॉकडाउन एंड ऑल जो भी कोविड के सीन्स थे थोड़े, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रही थी। आज मैं गई तो मैंने किया और अब जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो मैं करूँगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लव यू, बाय बाय। Share your toys or communicate. I guess I'm dressed to play.